भारत में टिकटॉक के बैन के बाद देसी ऐप्स को दमदार रिस्पॉन्स मिला है, जिससे कई ऐप्स ने अपनी पहुंच गांव से लेकर शहरों तक बना ली है। इन्हीं में से एक ऐप है चिंगारी, और अब इस चिंगारी को आप सबके मोबाइल तक पहुंचाने का जिम्मा सलमान खान ने ले लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घरेलू शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी ने बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतना ही नहीं, सलमान खान ने चिंगारी ऐप में काफी इन्वेस्टमेंट भी की है, हालांकि कंपनी ने इस रकम का खुलासा नहीं किया है। सलमान खान का कहना है कि चिंगारी भारत में सबसे लोकप्रिय मनोरंजन ऐप्स में से एक है और इसने अपने कंज्यूमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर काफी ध्यान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुझे पसंद है कि चिंगारी ने इतने कम समय में कैसे लाखों लोगों को ग्रामीण से लेकर शहरों तक के मंच पर अपनी अनोखी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया है। इसकी ग्रोथ को देखते हुए ही कई कंपनियां इस टेक फॉर बिलियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली ऐप में निवेश कर चुकी हैं। चिंगारी ने दिसंबर 2020 में अपने ब्लू चिप बेकर्स से $1.4 मिलियन से ज्यादा की रकम जुटाई थी, जिसमें एंजल लिस्ट, आई सीड, विलेज ग्लोबल, ब्लू फाउंडर्स फंड, जसमिंदर सिंह गुलाटी और बाकी निवेश समूह शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी को हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड मोबाइल एंटरटेनमेंट कंपनी ऑन मोबाइल से 13 मिलियन यानी करीबन 95 करोड़ रुपए का निवेश मिला था। चिंगारी के सीईओ सुमित घोष का कहना है कि चिंगारी के लिए ये सच में एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। कंपनी का लक्ष्य भारत के हर शहर तक पहुंचना है। ऐसे में उसके लिए बेहद खुशी की बात है कि सलमान खान कंपनी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर के रूप में उनसे जुड़े हैं। बता दें कि चिंगारी ने अपने साथ भारत में 56 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को जोड़ा है। वहीं ये वीडियो प्लेटफॉर्म यूजर्स को अंग्रेजी और हिंदी सहित 20 से ज्यादा भाषाओं में वीडियो बनाने और अपलोड करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही चिंगारी ने अपने प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो क्लिप, शो और फिल्मों के डायलॉग्स के लिए बंगाली स्ट्रीमिंग सेवा होयचोई के साथ भागीदारी की है। वहीं कंपनी ने एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी के साथ भी साझेदारी की है। भारत में टिकटॉक पर बैन के बाद उनके यूजर्स को देसी ऐप्स का ऑप्शन मिला, जिससे इस तरह के घरेलू प्लेटफॉर्म्स को खूब फायदा हुआ है। इस लिस्ट में चिंगारी, मित्रों और मौज जैसे ऐप्स शामिल हैं। इन सभी ऐप्स के पास भारतीय शॉर्ट वीडियो मार्केट पर छाने का एक बेहतरीन मौका है। वहीं इन ऐप्स को अब बॉलीवुड सितारों का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिससे इनकी ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं।